अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 यानी 9.1, जो कि न्यू बुक में, पुरानी बुक में 9.1 है, और अभी हमारे पास 3.1 की एक्सरसाइज है जिसकी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। पिछली वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म of the ratio 5:27 to make it equal to 1:3. 5:27 में कौन सा ऐसा नंबर प्लस करें कि जो इस रेशियो को इक्वल बना दे 1:3 के। सो इसकी सॉल्यूशन के लिए हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई कि 5 में x ऐड कर दिया, यानी x वो नंबर है। लेट सपोज दैट x इज दैट नंबर विच इज एडेड टू 5 and 27। 5 और 27 में x ऐड किया जाता है, तो 5 प्लस x कर दिया, इस तरीके से 27 प्लस x, और या रेशो में था तो अपॉन में लिख दिया, डिवीजन में इक्वल था वो 1:3 के, यानी 1/3 के। ठीक है जी, 5 + x / 27 + x, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 + x 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 × 5 + x ब्रैकेट में, जबकि 1 27 + x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम ऐसी वैल्यू आ जाएगी। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 = 15, 3 x से तो 3 x, 27 और x जो है 1 से हो रहे हैं, तो ये सेम ऐसी आ जाएंगे, 1 को हम इग्नोर कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 27 = 27 और 1 x = 1 x। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में 3 x और x को उस साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव x नेगेटिव x हो जाएगा, 3 x में से x माइनस होगा, इस तरीके से 15 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, इस साइड पर जब आएगा 27 के पास तो ये 27 में से माइनस हो जाएगा 15, 3x माइनस x 2x बचा, 27 माइनस 15 12 बचा। इसी तरीके से x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर 12 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 6 12, डिवीजन करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 6, यानी 6 वो नंबर होगा जिसको ऐड किया जाए तो हमारी रेशो 1:3 बन सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है टू नंबर्स आर इन रेशो 7:8, दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो 7:8 है, एंड देयर सम इज 105 है, और उसका उन्हीं दो नंबरों का ऐड करने से, यानी इनका सम जो है वो 105 है, 105 है। फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर्स हमें फाइंड करने। अब इस क्वेश्चन से टू डिजिट्स की बात हो रही है, तो क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन में लेट्स द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट सपोज दैट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, दो नंबर्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई इक्वल है 7/8 के, यानी 7/8 के। ठीक है, ये क्वेश्चन में बात बताई गई थी कि वो दो नंबर्स की रेशो 7:8 है। अब इसमें से पहले वाई को अगर इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो वाई यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 × y / 8 है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक और बात बताई गई थी, और वो ये थी कि उन दो नंबरों का सम 105 है, तो अभी हमने वो दो नंबर जो लिए वो लिए x और y, तो इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। x की जगह हम पुट कर देंगे ये वैल्यू 7y/8, ये पुट कर दिया। ठीक है जी, x की जगह इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी गई है, देख लें 7y/8 x की जगह लिखा है सिर्फ, प्लस y सेम एज इट इज है, 105 सेम एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में बीच में प्लस है का साइन है, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ नीचे 8 है जबकि y के नीचे 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 8, लाइन लगाकर नीचे 8 लिख दिया, 7y सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन भी सेम एज इट इज आएगा, ये 8 सिर्फ और सिर्फ y से क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके नीचे 1 था तो 8y आ गया, 7y + 8y / 8 और इक्वल है 105 के, ये सेम तमाम वैल्यूज, बाकी तमाम सेम्स। अच्छा जी, 8y और 7y हमने ऐड कर दी तो 15y हो गया, 8 यहाँ डिवाइड में था, 105 के पास आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 15 जो y के साथ मल्टीप्लाई है वो इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, 105 × 8/15, सेम ऐसी वैल्यूज लिखी हुई है। अब हमने y इज इक्वल टू ये वैल्यू सेम ऐसी लिखी थी, तो इसे 15 और 105 को 5 टेबल से अगर कट करें तो 5 3 = 15 और 5 2 = 10 और 5 1 = 5, तो 21 ऊपर 3 नीचे, मैंने 5 की टेबल से इन दोनों टर्म्स को कट कर दिया, ये सेम ऐसे ही है, 3 से 21 और 3 को कट कर देंगे, 3 1 = 3 3 7 = 21, तो 7 आ गया ऊपर, नीचे 1 रिमेनिंग रह गया, 7 × 8 7 8 = क्या होता है हमारे पास 56 होता है, तो इस तरह से 56 आ जाएगा, 56 हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये वैल्यू 56 जैसे भी आई तो इस ये हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली जाएगी। इस तरीके से अब हमारा नव जो काम रह गया वो है x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू के लिए सिंपली
अच्छा देख लें कि ये वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर जी, हमने 58105 को 8 से मल्टीप्लाई करा और 15 और 105 की यहाँ पर कटिंग करी थी, तो ये 5 से कटिंग हो रही थी, 5 थ्री 15, 5 टू ज़ा 10 और 5 वन ज़ा 5, तो 21 इंटू 8 आया था और नीचे 3 था, 3 और 21 को 3 की टेबल से कट करा, 3 7 ज़ा 21 और नीचे 3 वन ज़ा 3, तो 7 इंटू 8 से 20 से हमारे पास 7 इंटू 8 से 56 आ गया। ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब चल रहे हैं हम आगे कुछ स्टेप्स और मजीद लास्ट स्टेप्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 जो कि ऊपर मौजूद थी ये वाली इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 7 y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, इसी को ले लेंगे। इसमें y की जगह ये 56 पुट कर देंगे, तो y की जगह 56 अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 7 इंटू 56 अपॉन 8 है, 7 ऐसे लिखा, 8 की टेबल और उससे 56 और 8 को कट कर दिया, 8 वन 8, 8 7 56, तो 7 7 49 हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ रही है और ये आ गई x की वैल्यू। तो वो दो नंबर हमारे पास एक 49 हो जाएगा जबकि दूसरा हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू जो आई थी 56। तो 49 और 56 दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से 105 आता है और बाकी उनकी रेशो जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो रेशो थी। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के, मजीद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।